तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ट्रांसलेशन, और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में अपना जेनेटिक कोड बताया था, राइट? तो देखो, इसको देखने से पहले जेनेटिक कोड हमें आना चाहिए, जो कि मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? तो जेनेटिक कोड हमने डिस्कस किया था। अब देखो, अब ना हमने ट्रांसक्रिप्शन पहले ही पढ़ लिया है, जैसे डीएनए से एमआरएनए बनाना, याद है ना, पढ़ा था जब हमने। तो एमआरएनए की चेन तो पहले से आ गई थी हमारे पास। अब एमआरएनए से मेरे को क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, इजंट इट? तो अब एमआरएनए से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रोटीन, क्योंकि एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए तो ऑलरेडी आ चुका है। मान लो ये मेरे पास क्या है, एमआरएनए है, और तो ये एमआरएनए कहां से आया होगा जरा बताओ, ये एमआरएनए किससे आया है, कोई बता सकता है मुझे? अरे बोलो, डीएनए स्ट्रैंड से डीएनए। यस, तो यस, मान लो ये मेरे पास एक एमआरएनए आया है जो कि डीएनए का यूज करके आया है। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसा कौन सा कोडोन है, कोडोन ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट कहाँ से स्टार्ट होती है हमेशा विदुषी, एयूजी से। क्या कहीं पे एयूजी दिख रहा है, एयूजी देखो यस यहाँ से, ये रहा एयूजी। तो इसका मतलब जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो यहीं से तो स्टार्ट होगा, यस और नो? सर, और मान लो अगर यहाँ पे मेरे पास ये आ जाए यूएए, याद है ना मैंने बताया था स्टॉप कोडोन, युवा, योग, योगा, तो युवा, यूएए, ये क्या होता है, नॉनसेंस कोडोन। नॉनसेंस का मतलब ये प्रोसेस को स्टॉप करेगा। तो मेरे पास प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, एयूजी, और ये यूए, यूजीए, ठीक है, ए यूएजी, तो ये क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं, प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। तो ठीक है, अब ना मेरे पास ये है देखो, तो अब मुझे बेसिकली प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होते हैं जरा बताओ, अमाइनो एसिड्स, यस और नो? भाई तुम जितना भी खाना पीना यस खाते हो तो तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, तुम्हारे हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड होते हैं, राइट? तो देखो होता क्या है, तो सबसे पहले अब हमें तुम्हें पता है जब बहुत सारे अमाइनो एसिड होते होंगे तो इन बहुत सारे अमाइनो एसिड को एक सीक्वेंस बनाना पड़ता होगा, हर किसी का सीक्वेंस अलग है। सुकृति और अन्य और विदुषी, क्या तुम सारी तुम्हारी बॉडी में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस एक जैसा है? नो सर, नहीं, वो सीक्वेंस तो तुम्हारे पेरेंट का डीएनए डिसाइड करता है ना, जो तुम्हारे अंदर रिप्रेजेंट है। तो मान लो कि तुम्हारे में मेथियोनिन, मेथियोनिन तो सबके पहले होता है, मान लो इसमें फिर ट्रिप्टोफेन है, अनन्या के अंदर एलेनिन है, विदुषी के अंदर ग्लाइसिन है, फिर उसके बाद मान लो एस्पार्टिक एसिड है, अनन्या के अंदर ग्लूटामिक एसिड है। तो हर किसी का अलग अलग पैटर्न हो सकता है ना, मेरा अलग हो सकता है। तो अब हमारी बॉडी में हम दाल वाल खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो अमाइनो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो देखो होता क्या है, ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में एटीपी लेता है, ठीक है? और एटीपी, अब देखो एटीपी जब टूटती है तो वो कितने हिस्सों में टूट सकती है, ट्राई फॉस्फेट। तो ट्राई फॉस्फेट से कितने फॉस्फेट निकल सकते हैं, तीन फॉस्फेट ना? तो यस ट्राई yes. फॉर अरे ट्राई फॉस्फेट है ना, तो अगर तीनों फॉस्फेट जी टूट जाएंगे तीन, तो अब मान लो, अब अगर मान लो मेरे पास ना अमाइनो एसिड और अभी ये बन गया है एएमपी, अमाइनो एसिड और एएमपी बन गया ये, तो बताओ अब ट्राई में से ये मोनोफॉस्फेट बचा तो कितने फॉस्फेट निकल चुके होंगे? एक सर, अरे तीन फॉस्फेट में से अब बस एक फॉस्फेट बचा है तो कितने निकल गए होंगे, दो फॉस्फेट निकल गए होंगे ना यस सर, भाई, एडनोसिन ट्राई फॉस्फेट और यह है एडनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अमाइनो एसिड से जुड़ने वाला था, अब ये फाइनली एक हो गया, अमाइनो एसिड और एएमपी आपस में जुड़ चुके हैं। तो अब देखो होता क्या है, जब तुम्हारा ये अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में, वो एनर्जी का यूज करते हैं हमारी बॉडी की, तो अब ये अमाइनो एसिड और एएमपी क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ना एंजाइम भी होता है एक, तो ये ना एंजाइम के साथ भी जुड़ जाता है, तो इसको ऐसे बोलो कि ये ई के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये ना एक कॉम्प्लेक्स है, अमाइनो एसिड एएमपी, और ये ना एनसीईआरटी में नहीं है, तो अमाइनो एसिड एएमपी और एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है? तो अब बताओ मेरे पास पहले तो सिर्फ क्या था, अमाइनो एसिड था, फिर जब अमाइनो एसिड एक्टिव होने जा रहा होता है तो वो कितनी चीजों से जुड़ जाता है, कितनी चीजों से जुड़ जाता है अमाइनो एसिड, अरे दो बोलो चीजें कौन कौन सी, एक है एटीपी और एक है एंजाइम। हाँ, तो एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से दो फॉस्फेट निकल जाते हैं तो बच जाता है एएमपी और साथ में एंजाइम है मेरे पास। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टीआरएनए घूम रहे होते हैं, बहुत सारे, भाई वही तो इस एमआरएनए के ऊपर आएगा, याद है ना मैंने बताया था टीआरएनए आता है अमाइनो एसिड को लेके। तो अभी ये टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड नहीं है, तो अभी ये टीआरएनए बहुत सारे घूम रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर टीआरएनए अमाइनो एसिड से जुड़ेगा, तो अब मेरे पास एक आ जाता है टीआरएनए,
जो हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं. तो ये टीआरएनए अब क्या करेगा, तो ये टीआरएनए किससे जुड़ना चाहता है जरा बताओ एक बार, अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड. तो अब क्या होगा, अब ये टीआरएनए और ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे. तो जब अमाइनो एसिड और टीआरएनए जुड़ जाएंगे तो फिर अब निकल क्या जाएंगे फिर वहां से, तो टीआरएनए ने सिर्फ अमाइनो एसिड से जुड़ गया. तो सिर्फ अमाइनो एसिड से जुड़ गया तो बताओ अब निकल क्या 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 चीज निकल जाएंगे फिर इससे. अब एएमपी अपना अलग टूट के चला गया कहीं और, हमें मतलब नहीं. और ये एंजाइम भी अपना अलग कहीं चला गया, हमें मतलब नहीं है. और जो भी फॉस्फेट था ये भी अपना निकल गया, ठीक है ना. तो ये सब चीजें अपनी अलग निकल गई है फॉस्फेट. तो मेरे को मेन मतलब किससे है, इस टीआरएनए से. तो बताओ मेरे पास फाइनली जो अमाइनो एसिड था और जो टीआरएनए था, बताओ अब वो फाइनली रिचार्ज हो गए या नहीं हो गए. भाई पहले तो ये दोनों रैंडमली घूम रहे थे, अब ये दोनों आपस में मिल गए या नहीं मिल गए. मिल गए सर. तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. एक्टिवेशन ऑफ, भाई पहले ये कैसे घूम रहे थे, रैंडमली घूम रहे थे, और अब फिर क्या हो गया, ये मेरे पास आपस में जुड़ गए. यस और नो एवरीबॉडी. यस सर. अनन्या, तो अमाइनो एसिड पहले से ही टीआरएनए के साथ जुड़े हुए थे या बाद में आके जुड़े हैं. सर बाद में आकर जुड़े. तो ये टीआरएनए के ऊपर जब अमाइनो एसिड आता है तो ये ऊपर आता है या नीचे की साइड आता है. ऊपर की साइड. ऊपर की साइड आता है क्योंकि नीचे की साइड तो कोडिंग चलती है ना एमआरएनए के ऊपर. तो ऊपर अमाइनो एसिड जुड़ चुका है तो इसे हम बोलते हैं थर्ड एंड, थ्री एंड ऑफ द टीआरएनए. ठीक है भाई. अच्छा यहाँ पे ना कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है उस एंजाइम का नाम क्या है, ये नीट का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे जो एंजाइम है ना उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस. सारे बच्चे नाम याद रखेंगे, बोलो एक बार, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस. बोले सारे बच्चे, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस. ठीक है, टीआरएनए सिंथेटेस, सिंथेसिस होना. ठीक है, ये ना कॉम्प्लेक्स बना है इसलिए अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस. यहाँ तक किसी कोई भी डाउट है. No, अब मुझे एक बात बताओ, तो अब हमारे बॉडी के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं. यस और नो. देखो पहले ये अकेले अकेले घूम रहे थे कि हम तो अकेले हैं, सिंगल लाइफ है हमारी. लेकिन फिर बाद में कौन जुड़ गया इनके साथ, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स. तो बताओ अभी से रिचार्जिंग बोलेंगे या डिस्चार्जिंग बोलेंगे. रिचार्जिंग. यस, अभी लिखा ना यहाँ पे देखो, एक्टिवेशन, रिचार्ज हो गए. पहले ये क्या थे, डीएक्टिवेट थे, अभी रिचार्ज हो गए. अब तुम्हें पता है कि अब हमारे पास जो चेन बनी हुई है एमआरएनए की, देख रहे हो ये वाली चेन, ये क्या है, ये एमआरएनए है ना. तो अब ये रिचार्ज होकर क्या आएंगे, ठीक इसके ऊपर चलेंगे. ठीक है, तो चेन कहां से स्टार्ट होती है प्यारे प्यारे बच्चों, चेन कहां से स्टार्ट होती है, एयूजी. अब देखो इनमें से मेरे पास मान लो ये टीआरएनए है और मान लो इन सबके पास अलग अलग कोडिंग है. अभी अलग अलग कोडिंग है और मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ए यू जी. तो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ए की जगह पे मान लो ए है ना, ए यू जी. मान लो ये मेरे पास लिखा, ये एक ऐसा है टीआरएनए. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ए यू जी था और मान लो मेरे पास अलग अलग टाइप के कोड यहाँ पे बने हुए हैं, अब जरा बताना इनमें से कौन सा वाला AUG के ऊपर आएगा, खुद सोचो कौन सा वाला AUG के ऊपर आना चाहिए. मान लो ये mRNA है और यहाँ पे ये AUG है, तो AUG की चेन के ऊपर सब AUG से स्टार्ट होता है प्रोसेस, तो AUG के ऊपर कौन सा वाला आना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. दूसरा सर. तीसरा, तीसरा, थर्ड, थर्ड, थर्ड. पक्का सोच लो. हाँ देखो इनमें से कोई सा भी नहीं आना. हाँ चाहिए सर. कोई सा भी नहीं आना चाहिए. देखो क्यों, ए है तो ए का देखो यू हो गया, ठीक है, लेकिन यू का जी कैसे हो सकता है. अरे हाँ भाई, यू यू का तो ए होना चाहिए ना, यूएसी. हाँ अब हो गया, ये जी का सी हो गया. देखो ठीक है, समझ में आ गया ना. तो ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा. yes, तो तीसरा वाला होगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी. तो इतने सारे मेरे पास जो टीआरएनए सिंथेटेस थे, तो इस तरीके मैंने सही बोला ना. हाँ हाँ बाकी ठीक है. तो
तो मेरे पास अब देखो इस तरीके से मेरे पास ये एक जुड़ गया, इसी तरीके से मेरे पास दूसरा वाला आएगा, फिर इसी तरीके से तीसरा वाला आएगा, ऐसे करते करते बताओ, ऐसे करते ये बहुत सारे आते रहेंगे नहीं आते रहेंगे? अरे बोलो। Yes, sir. अब देखो होगा क्या सर, अभी ना मैं एक वीडियो दिखाऊंगा उससे और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब ना ये mRNA के ऊपर कोड करते हुए, अब कोडिंग तो तुम्हारे मदर से आया है, फादर से आया है, तो उसी तरीके के अमाइनो एसिड तो आएंगे जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के अमाइनो एसिड है सिक्वेंस। तो देखो अभी आया, देखो होता क्या है, अब तुम्हें पता है ये प्रोसेस आगे कैसे जाता है, बिकॉज ऑफ आरआरएनए वो कैटलाइज करता है ना प्रोसेस को, बर्गर जैसा मैंने बताया था, आगे बढ़ता रहता है कैटालिसिस। याद आया आरआरएनए, ये खुद एमआरएनए है, ये टी, अच्छा टीआरएनए क्या लेकर आ रहा है विदुषी, टीआरएनए क्या लेकर आ रहा है एमआरएनए के ऊपर? एसिड, अमाइनो एसिड्स लेकर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये टीआरएनए और अमाइनो एसिड ना वीक होते हैं, टीआरएनए और अमाइनो एसिड के बीच में ना बॉन्ड अच्छी नहीं होती, ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं लेकिन इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, ऐसी इस वाले टीआरएनए और इस एमआरएनए की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। तो होता क्या है, ये वाला एमआरएनए, ये वाला जो अमाइनो एसिड है, ये इस वाले अमाइनो एसिड को देखता है, कहता है वही तू तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहता है तू भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये आपस में आके जुड़ जाएंगे क्या, क्या ये आपस में आके जुड़ सकते हैं? हाँ जुड़ जाएंगे। नहीं सर। अरे जुड़ जाएंगे हाँ, तुम्हें चेन बनानी है ना, तुम्हें तो अमाइनो एसिड को जोड़ना है, टीआरएनए तो सिर्फ अमाइनो एसिड को साथ लेकर आया, अब ये आपस में जुड़ गए, तो अब जब ये आपस में जुड़ गए तो अब ये वाला टीआरएनए क्या होगा, अभी वाला टीआरएनए भाग जाएगा गायब, ठीक है। अब अगला वाला टीआरएनए आएगा, तो देखो अब अगला वाला टीआरएनए आएगा, ये रहा, ये भी अमाइनो एसिड को लेकर आया, तो अब ये वाला अमाइनो एसिड इसको देखता है, कहता है भाई तुम तो अच्छे लग रहे हो, ये भी कहता है तुम अच्छे लग रहे हो, तो फाइनली क्या होगा, ये वाला जो देखो ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड स्टेबल नहीं होते हैं, वीक होते हैं, इसलिए जल्दी से इसका साथ छोड़ देगा, तो अब ये वाला जुड़ जाएगा इसके साथ, राइट। तो जब ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो फिर इस वाले का क्या होगा, ये बेचारा अकेला हो गया, तन्हाई में चला गया, तो चला गया इसके साथ, अब ऐसी अब नया वाला आएगा, अब ये भी क्या है मेरे पास, ये भी क्या लेकर आएगा, अरे बोलो, अमाइनो एसिड, तो फिर ये वाला इसको देखेगा, अब कौन चले जाएगा, ये वाला चला जाएगा बेचारा। देखो अब ऐसे करते करते ये अमाइनो एसिड की एक चेन बनती जा रही, नहीं बनती जा रही, फिर ये इसको देखेगा, फिर ये वाला टीआरएनए क्या होगा, ये वाला टीआरएनए भाग जाएगा, तो इस तरीके से अपने पार्टनर का साथ छोड़ते जा रहे हैं और ये सारे मिलके एक चेन बनाते जा रहे हैं, नहीं आया समझ में? आ गया सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान लो ये सब लोग अपना अपने पार्टनर का साथ छोड़ के एक ग्रुप बनाए जा रहे हैं, आ गया। तो इस तरीके से फाइनली क्या होगी, ये मेरे पास चेन बनती जा रही है। अरे तो इसी को अब देखो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे करते करते ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा और फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। यस सर, नो एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा ये आगे कौन बढ़ाता है इस काम को, ये है मेरे पास आरआरएनए, बर्गर जैसा जो है, तो ये आरआरएनए आगे बढ़ता रहेगा और नए नए टीआरएनए को लाता रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा देखो ये ना चैप्टर के वो पीडीएफ वाले नोट्स भेज दो, भेज दूंगा मैं। तो ये आरआरएनए देखो, अब आरआरएनए पे ना मेरे पास ना साइटें होती हैं दो, पी और ए, एक तरह से ना इसको ऐसा समझो पीछे और आगे। तो मान लो सबसे पहले टीआरएनए कहां पे आया होगा, मान लो पी की साइड, तो अब जो नेक्स्ट टीआरएनए आया होगा वो कहां पे आया होगा, आगे की साइड आया होगा ना, आगे, ठीक है। अब ये टीआरएनए, अब ये जो आरआरएनए ये आगे बढ़ गया, तो अब देखो अब जब अब एक सेकंड अभी क्या हो गया पी, तो अब नेक्स्ट वाला टीआरएनए कहां पे आएगा, आगे, नहीं समझ में आया, और अब ये पीछे हो गया। अब जब अगला वाला टीआरएनए आएगा तो फिर अब ये ए वाला साइड क्या बन जाएगा, एक तरह से पी, और ये क्या बन जाएगा, आगे। तो इसका मतलब जब भी मेरे पास नया टीआरएनए आता है तो वो हमेशा कौन सी साइड पे आता है, पी साइड पे या ए साइड पे, ए साइड पे, ए साइड। और ये ए साइड कहां पे प्रेजेंट होती है, आरआरएनए पे। हां आर, अच्छा एक सेकंड विदुषी, ये आरआरएनए का क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्या फंक्शन क्या होता है? विदुषी ये आरआरएनए का फंक्शन क्या होता है, वेरी गुड, तुम बताओ सुकृति,
क्या होता है सर, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है ना? यस, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, कैसे भूल सकते हो भाई, अभी तो बताया था एक सेकंड पहले भाई, कैटल ये जो मेरे पास है ये आगे बढ़ता रहेगा राइट, और आगे बढ़ बढ़ के ये टीआरएनए आता रहता है और मेरे पास उसको आगे बढ़ाएगा, फाइनली मेरे पास क्या बन जाती है, चेन बन जाती है। यस और नो? यस सर। अब बताओ, हद होती है? नहीं आया समझ में कुछ? आ गया सर। तो हमारा मेन एम क्या था जरा बताना एक बार, कि जो वो होता है क्या कहते हैं, वो होता है फिर वो होता अरे सर सर वो ए पे हमेशा आके वो सिंथेसाइज होता है। ठीक है चलो मैं एक बार दिखा देता हूं। तो देखो अब ना हमारे सर, पास क्या होता है बताओ, क्या होता है, क्या ए पे क्या सिंथेसाइज होता है वो तो बता। हाँ, ए पर मेरे पास सबसे पहले आता है टीआरएनए, फिर वो हमेशा आगे वाली साइड पे आता है। ठीक है, तो वो पीछे हो जाता है। हाँ, वही आगे वाली साइड पे टीआरएनए सिंथेसाइज होता है। तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के लिए मेरे पास तीन टाइप की चीजों की जरूरत थी, देख पा रहे हो ये? यस सर। तो देखो अब ये मेरे पास है, मैं ट्रांसलेशन दिखाना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, प्रोटीन बनाना है हमें एमआरएनए से राइट। तो इसके अंदर कितनी कितनी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं? तो देखो सबसे पहले मेरे पास ये एमआरएनए है, और ये मेरे पास क्या है, आरआरएनए, बर्गर जैसा स्ट्रक्चर जैसा, और एक आएगा मेरे पास टीआरएनए। देखो ये टीआरएनए ऐसा दिख रहा है, लेकिन तुम्हें डायग्राम कैसे बनाना है, जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी में क्रॉस जैसा, ठीक है ना? ये टीआरएनए एक्चुअली में ऐसा दिखता है, लेकिन तुम्हें बनाना है, जब भी बनाने के लिए आएगा तो क्रॉस जैसा बनाना है, ऐसे और ऐसे। ठीक है भाई? ओके सर। ठीक है, ये रिलीज फैक्टर जब तुम्हारी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी तो ये फाइनली उस चेन को तोड़ने के लिए काम आता है रिलीज फैक्टर। जब लास्ट में सारे प्रोटीन चेन बन जाएगी ना, तो उस एमआरएनए से निकलना है ना तुम्हें, तो वो रिलीज फैक्टर उसको तोड़ देता है कि पूरी की पूरी अब चेन बन गई है तुम्हारी बॉडी की। अब देखो ये मेरे पास स्टेजेस है, सबसे पहले ये एमआरएनए है। अब देखो ये देख पा रहे हो, देखो किस तरीके से चेन बनती जाएगी, अभी देखना भी अभी आएगा पूरा प्रोसेस। देखो अब देखो कैसे है, ये क्या है जरा बताना, क्या ना इसे एमआरएनए? Yes, sir. और mRNA DNA से बनकर आ चुका है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अब ये मेरे पास देख रहे हो, ये कोड है, कोड होता है ना पूरा का पूरा। अच्छा ये ए ए ए क्यों है लास्ट में, ये ए ए क्यों है लास्ट में? याद है मैंने एक चीज बताई थी, स्प्लीसिंग कैपिंग टेलिंग, टेलिंग में हम पॉली ए टेल ऐड करते हैं 200 यूनिट ए पॉली ए टेल, कुछ कुछ याद आ रहा है, पॉली ए टेल, और आगे कैपिंग में ऐड करते हैं मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मेरे पास वो mRNA है। अब देखो ये मेरे पास अलग अलग कोड है इनके, कोडोन, कोडोन का मतलब तीन तीन वर्ड के, AUG, देखो मिथाइलेट कैप, कैप का मतलब कैपिंग, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, रिमेम्बर कैपिंग। तो अब ये जो रंग बिरंगा पोर्शन देखो, ये क्या है जरा बताना एक बार, ये क्या है? RRNA, बर्गर जैसा स्ट्रक्चर, वो mRNA, नहीं RRNA, mRNA तो वो रस्सी है ना, बर्गर जैसा स्ट्रक्चर क्या होता है, RRNA जो कैटलिस्ट की तरह प्रोवाइड होता है। यस और नो? यस सर। तो ये अब आगे चलता जा रहा है, अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों? क्योंकि ये साइड क्या है, AUG, इनिशिएशन साइड। तो ये जो मेहंदी कलर है, क्या यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ? नहीं, ये तो ऐसे था नॉन कोडिंग सिक्वेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कोड होगा जरा बताओ एक बार, यहाँ पे AUG, और AUG का उल्टा कोड क्या होता है, AUG का जो एंटी कोडन होता है वो क्या होता है, AUG, UAC, देखा? अरे भी क्वेश्चन पूछा था ना इससे मैंने, जब उन्होंने बता रहा था, देखो AUG की, तो देखो AUG के पास कौन सा वाला आया, UAC आया, यस और नो? तो यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगा जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, विदुषी? Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे पास टीआरएनए, उसको लिख, अब देखो इसके ऊपर अमाइनो से जुड़ा हुआ या नहीं जुड़ा है, ये क्या है, ये रेड रेड से कलर का अमाइनो एसिड है। देखो मेथियोनिन याद आया, AUG सर्व एज अ डुअल फंक्शन, एक ये इनिशिएटर कोडोन है, और ये कौन सा अमाइनो एसिड लेकर आता है, मेथियोनिन, मैंने साइलेंट फीचर में लिखवा रखा है, ये याद आया? Yes, अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा ना तुम लोगों को, आ रहा है, ठीक है चलो।
अच्छा अब अब ये पहले बताओ ये कौन सी साइड पे आया है, ये पी साइड पे आया है या ए साइड पे आया है? चलो भी बताएंगे तुम्हें। अच्छा ये क्या है? हाँ ये जो है मेरे पास ये पता है ना बर्गर जैसा, ऊपर का बड़ा होता है नीचे का छोटा होता है स्ट्रक्चर, और ये इसका काम क्या होता है बेसिकली जरा बताओ। Can I say it catalyzes the process? ये catalyst की तरह काम करता है। Yes, ठीक है तो ये catalyst की तरह काम करता है। Catalyst की तरह वो करता है। तो अब बताओ ये आगे बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा? अब देखो ये क्या आ रहा है जरा कोई बता सकता है ये क्या आ रहा है? A. हाँ A साइड पे क्या आ रहा है? दूसरा वाला। यस तो अब मेरे पास ये देखो ये अमाइनो एसिड को लेकर आ रहे नहीं आ रहा, भगवा कलर देखो ऑरेंज कलर, ठीक है। अच्छा ये जो अमाइनो एसिड और टीआरएनए का बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है वीक होता है? वीक होता है। अरे वीक होता है तभी तो ये दूसरे साथी के साथ बग जाएगा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है वो तुम्हारी बॉन्डिंग उससे वीक है तो वो तुम्हारे साथ रहेगा या किसी और के साथ चले जाएगा? सुकृति समझ नहीं आ रहा ना? तो देखो ये जो टीआरएनए के साथ अमाइनो ऐसे दिख रहे ना तुम्हें रेड और ये ऑरेंज, ये वीक है इसलिए रेड और ऑरेंज एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये रेड अभी ऑरेंज को देख रहा है, ओ तुम कौन हो? ऑरेंज कहता है मैं वो चीज जो हाँ। तो देखो अभी जुड़ गया इसके साथ, तो अब क्या होगा ये रेड वाला क्या करेगा? बगावती तेवर दिखाएगा, कहेगा चल मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ तो मैं तो इस ऑरेंज के साथ जा रहा हूँ, ऐसे तो बोलेगा। तो अब देखो अभी ये रेड वाला इसका साथ छोड़ देगा टीआरएनए का, देखो देखो बगावत कर दी इसने, और अब कहेगा ऑरेंज अब मैं तेरे साथ रहूंगा। तो बेचारा ये अकेला हो गया, तन्हाई में चला गया, देखो रो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आ गया देखो येलो वाला, तो कहते हैं ओ तुम दोनों एक साथ कैसे, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो ये फाइनली इसके बाद जाएगा तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, देख रहे हो? तो बताओ इस तरीके से चेन बनती जाएगी नहीं जाएगी? यस सर। तो ये जो कैप्सूल जैसे बनता जा रहा है ये क्या है? अमाइनो एसिड। कौन से बॉन्ड से जुड़ते जा रहे हैं कि करके? पेप्टाइड बॉन्ड, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा बताओ ये बर्गर जैसा स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा? बढ़ता जा रहा सर। क्यों? क्योंकि कौन सा प्रोसेस कर रहा है? कैटेलिसिस का काम कर रहा है। और देखो एक बार नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, द ग्रोइंग पेप्टाइड इज कंटिन्यूअसली ट्रांसफर टू द ए साइट ऑफ टीआरएनए, राइट? तो ए साइट पे तो आते जा रहे हैं सबके सब आगे। अब देखो ये इसने साथ छोड़ दिया। अच्छा अभी प्रोसेस कब रुकेगा जरा बताना एक बार? क्या सर? ये प्रोसेस कब रुकेगा विदुषी और अनन्या? सर जब वो AUUA जब आएगा तब ये प्रोसेस रुक जाएगा। जब स्टॉप कोडन आएंगे, मैंने तीन स्टॉप कोडों के नाम बताए थे याद आया, UAA UGA और UAG, इन तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, राइट? और उतना ही प्रोटीन बनेगा तुम्हारी बॉडी में। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो देखो इस तरीके से ये चेन बनती जा रही है बनती जा रही है बनती जा रही है, तो ये चेन लंबी होती जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अब देखो ये लास्ट आने वाला है, देखो ये क्या आ गया, ये क्या है? यूएजी। बताओ ये यूएजी अपने आप में स्टॉप कोडन है या नहीं? है सर। UAA, UAG and UGA, मैंने बताया था कोई सा भी एक आ गया। अब प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट होगा या स्टार्ट होगा या रुक जाएगा? सर रुक जाएगा। रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। देखो निकल गया टीआरएनए भी गया, हमें तो भाई यही बना था, देखो हमारी तो मेन इंपोर्टेंट यही चीज है ना, बाकी से हमें क्या मतलब। तो ये पूरा का पूरा हमारी ये बनकर आ गई प्रोटीन चेन, अब ये तुम्हारी बॉडी में लग जाएगी। तो इज दैट क्लियर कि किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है? यस सर। पक्का श्योर? यस सर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ध्यान रखना, एक बार सब बच्चे अपने मन के अंदर बैठा ले ट्रांसलेशन। तो ये रिलीज फैक्टर का क्या काम होता है जरा बताओ? रिलीज करता है जब प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। और रिलीज फैक्टर किसके साथ जुड़ेगा? स्टॉप कोडन, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एमआरएनए है, एमआरएनए कहां से बनकर आता है जरा बताओ? डीएनए। हाँ डीएनए से। फिर इसको कैटलिस्ट के लिए, अब देखो ये लास्ट में कौन सी चेन होगी जरा बताना यहाँ पे, ये क्या है? टेलिंग, पॉली ए टेल, 200 यूनिट होती है ना लास्ट में लगाई जाती है। yes. हाँ ये हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था। अच्छा और आगे और हेड पे क्या लगाया जाता है? हेड पे क्या लगाया जाता है? एडेनाइलेट, मतलब गुएनाइन। ये जो मेरे पास हेड वाला पोर्शन आ रहा है, मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लगाया जाएगा।
इसलिए बोलते हैं इसे मिथाइल एसिड क्या है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये स्मॉल यूनिट है या लार्ज यूनिट है? स्मॉल यूनिट। लार्ज कब आएगी? बाद में आएगी जब टीआरएनए आ चुका होगा, राइट? बाद में। हाँ देखो ये तो बेकार पोर्शन था, अब यहाँ पे क्या इनिशियल साइड है, तो अब मेरे पास टीआरएनए आएगा कौन सा वाला, यूएसी, क्योंकि वो एयूजी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड, अच्छा ये टीआरएनए रिचार्ज वाला एक्टिवेटेड है या इनएक्टिवेटेड है? एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड मतलब देखा था ना अभी एटीपी और एंजाइम का यूज करके आया था। यस तो ये एंटीकोडोन है, एंटीकोडोन का मतलब जो कोडोन का उल्टा है, तो नीचे कोडोन है और ये इसका उल्टा एंटीकोडोन, तो एयूजी का उल्टा यूएसी होता है। अब बड़ा वाला भी आएगा, राइट? लार्ज सब यूनिट ऑफ एमआरएनए आएगा, नहीं आएगा, सॉरी आरआरएनए, आरआरएनए। ये मेट का मतलब क्या है, जब भी मेट? नहीं क्या है इसका मतलब, मेट का मतलब? वेरी गुड, मेथियोनिन। और ये क्या है अपने आप में, एक अरे अमाइनो एसिड है ना? ठीक है, अमीनो एसिड। अब बड़ा वाला भी आ गया, और अब ये पूरे प्रोसेस को साथ चलाता रहेगा, राइट? एक एक करके, तो अब ये टीआरएनए निकलते जाएंगे और ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये टीआरएनए ने इस सॉरी हाँ तो ये टीआरएनए ने ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड ने टीआरएनए का साथ क्यों छोड़ दिया, जरा बताओ क्यों छोड़ दिया इसने इसका साथ? बॉन्ड वीक है। हाँ ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड है, और जिसके पास एनर्जी होती है क्या वो एक जगह पे रह पाएगा? अगर मेरे पास बहुत एनर्जी आ जाए क्या मैं एक जगह बैठ के पढ़ा पाऊंगा, उधर जाऊंगा उधर जाऊंगा उधर जाऊंगा थप्पड़ मारूंगा बदतमीज, ठीक है, तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, isn't it? तो इसलिए ये क्या है, हाई एनर्जी बॉन्ड है जो कि वीक होता है, टूट जाएगा और फिर वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा। Got it everybody, yes or no? Yes sir. Sukriti, Ananya, Vidushi, any doubt in this? No sir. तो तंग आ चुके हैं, yes sir, no sir, no no. कुछ लोग तो गाना गा रहे हैं, ना 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 ना। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास से देखो ये tRNA निकलते जा रहे हैं और ये मेरे पास इस तरीके से अमाइनो एसिड आते जा रहे हैं, ठीक है भाई? तो देख रहे हो ना बहुत सिंपल प्रोसेस है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इनमें तनहाई किसको मिल रही है, अकेला कौन हो रहा है? बेचारा टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए लेकर आया और ये प्रोटीन आपस में मिलकर इन्होंने अपनी एक गैंग बना लिया, ठीक है, चलो। हाँ तो ये मेरे पास फाइनली, अच्छा ये प्रोटीन बन गए, तो क्या मैं इस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन बोल सकता हूँ? यस सर। क्यों 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 बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन इसको? सर क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड है ना इनके बीच में। बिल्कुल सही, तो ये मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है और क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे हैं तो पॉलीपेप्टाइड बन गया ना एक तरह से। यस और नो एवरीबॉडी? अनन्या विदुषी, तो बस इसी के साथ हमारा, ठीक है, हाँ हाँ यस सर यस सर, हम सब पागल हैं, बोलो यस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है फाइनली, तो अब हम यहाँ पे ट्रांसलेशन के बारे में करेंगे। देखो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी में, जैसे कि तुमने डायग्राम, जैसे कि देखो ये वाला डायग्राम ना एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ कौन सा वाला, तो इसकी प्रैक्टिस तो मैं लोगों को करनी है। सर केमिस्ट्री का टेस्ट एमसीक्यू है? नहीं, अच्छा है रिटर्न है, एमसीक्यू में यार थोड़ा सा तो हां तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, वो उसमें न्यूमेरिकल भी है ना इसलिए। सर वही पहले जैसा होगा ना वीडियो ऑन करके? बिल्कुल 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 पहले जैसा ही होगा। अरे ना कह रही है मैं तो दूंगी नहीं सर, मैं तो लेट आई थी ना इसलिए। नहीं नहीं सर मैंने पढ़ा चैप्टर अच्छे से, पढ़ लिया, वेरी गुड। चलो तो देखो तुम्हें ना ये वाला डायग्राम देखो बना के आना है एग्जाम में, बहुत बार आता है कि आपको क्या करना है, अब आप डायग्राम बना के दिखाएं ट्रांसलेशन का, तो ये डायग्राम देख पा रहे हो राइट साइड में, देखना ये देख पा रहे हो? यस सर। तो राइट साइड में अगर तुम ये देखो, ये देख रहे हो ना इस तरीके से, ये नीचे क्या है स्मॉल सब यूनिट, देख रहे हो ना, देख रहे हो डायग्राम को? यस सर देख रहे हैं। ये बड़ा वाला है और ये येलो येलो में क्या है, अगर मैं इसको देखू तो ये येलो येलो में क्या लगे हुए हैं? यस। और देखो ये देख रहा है एलएनएन, एक तरह से देखो एरो बनाया हुआ है कि वो वेलिन के साथ जुड़ने वाला है, और ये टीआरएनए यहां से हट गया और ये नया टीआरएनए आ रहा है, ये नया टीआरएनए बताओ कौन सी साइड पे आ रहा है, कहना इसे ए साइड पे आ रहा है। यस सर ए सर, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब, अच्छा देखो कभी कभी आता है टीआरएनए का डायग्राम बनाओ,
तो टीआरएनए ना तुम्हें इस तरीके से बनाना है, देख रहे हो ये ऐसा क्रिस क्रॉस जैसा, तो टीआरएनए का डायग्राम तुम्हें इस तरीके से बनाना है, ठीक है भाई? समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर, समझ आ रहा है। टीआरएनए का डायग्राम ऐसे ही बनाना है वरना नंबर नहीं मिलेंगे, बहुत सिंपल है ये तो। अच्छा है वो नहीं बनाना, वो तो टफ है जो तुमने अभी देखा मूवी, उसमें मूवी कह रहा हूँ वीडियो में। Got it? Yes, sir. अच्छा तो सुकृति अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि अब अगर मैं बात करूं सुकृति जरा एक बार बताओ, जो हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था वहां पे कितनी चीजें यूज हुई? सर एक तो बुलम आर एन ए यूज हुआ था और एटीपी सर। अरे तीन चीजें मेन यूज हुई है ना, आर आर एन ए, एम आर एन ए और टी आर एन ए, तीनों के बिना क्या कहा हो सकता है? तीनों के तीनों आर एन ए यूज हुए या नहीं हुए? नहीं आया समझ, बताओ पूरा सब एकदम जीरो हो गया। अच्छा राइबोसोम की, अच्छा राइबोसोम की कितनी यूनिट होती है? राइबोसोम की कितनी सब यूनिट होती है? एक होती है लार्ज, राइट? दो एक लार्ज सब यूनिट और एक क्या होती है? स्मॉल सब यूनिट। तो सबसे पहले कौन सी होती है? स्मॉल। और फिर क्या आता है? लार्ज। फिर टीआरएनए आता है, उसके बाद लार्ज आता है, राइट? अरे हाँ ठीक है ना, ठीक है। लेकिन हाँ अगर दो की बात आए तो पहले स्मॉल फिर लार्ज, यस और नो? अच्छा तो बताओ सबसे पहले ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले स्मॉल आता है, टीआरएनए आता है या लार्ज आता है डायरेक्टली? पहले स्मॉल आता है। तो कैन आई से दैट व्हेन द स्मॉल सब यूनिट, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट कम या इनकाउंटर द एमआरएनए, कम ऑन द एमआरएनए, राइट? तो अब मैं बोल सकता हूँ क्या, ट्रांसलेशन बिगिंस? यस यस सर। देन वी कैन से दैट ट्रांसलेशन यहाँ से बिगिन हो जाता है। ट्रांसलेशन, कोई गाना गा रहा है धीरे करके, इतना प्यारा सा गाना। हाँ तो ट्रांसलेशन बिगिंस, ठीक है? ऐसा लग रहा है मुन्ना रे सो जा, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे पास जब स्मॉल सब यूनिट आती है तो वो हमारे पास ट्रांसलेशन बिगिंस हो जाता है, यस और नो एवरीबॉडी? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब जब मेरे पास फाइनली ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुकी है तो अब जो एम आर एन ए है वो स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ गया, फिर क्या आएगा मेरे पास जरा बताना? ई आर एन ए, ठीक है? फिर मेरे पास क्या आएगा देन? अच्छा एक और चीज, इस छोटे वाले के पास एक साइड भी, जैसे मेरे पास ये था तो मेरे पास लार्ज सब यूनिट भी होती है, ठीक है ना? मेरे पास उसके बाद क्या आता है, लार्ज सब यूनिट भी जुड़ेंगे, मतलब ट्रांसलेशन बिगिन तो हो गया, बाद में मेरे पास लार्ज सब यूनिट भी आती है, ऑल्सो अटैचेस आफ्टर टी आर एन ए, राइट? तो मेरे पास हमें पता है सब यूनिट के ऊपर कितनी कितनी साइट होती है? लास्ट सब यूनिट के पास कितनी साइट होती हैं? उन दो चीजों के क्या नाम थे? दो। एक क्या था, पी साइट, और एक क्या था? देखो पी और साइट ए साइट है, लेकिन तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए तुम ऐसे समझो पीछे और आगे, ठीक है? पीछे की साइट और एक आगे की साइट, इस तरीके से समझो तो आसान रहेगा, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। तो सबसे पहले जो मेरे पास आएगा इनिशिएशन, जो टीआरएनए आएगा वो कौन सी साइड पे आएगा, पी साइड पे या टी साइड पे? सबसे पहले पी साइड। सबसे पहले तो पी, पहले पीछे ही आएगा ना डायरेक्ट, आगे को, जब कोई चीज है ही नहीं तो आगे कैसे हो गया? अरे कोई लड़का अकेला आया है कह रहा देखो मैं आगे खड़ा हूँ, अरे भाई कोई और है ही नहीं तो आगे तो खड़ा होगा, जब दो लोग होते हैं तब डिसाइड होता है ना आगे या पीछे, तो जब पहले से कोई एक होगा तो दो पीछे की साइड होगा, ठीक है ना भाई? नहीं आया समझ, आगे ऐसा। अच्छा और फिर उसके बाद जितने भी आएंगे फिर वो कहाँ पे आएंगे? वेरी गुड, सो द स्मॉल सब यूनिट जो है मेरे पास विद द टीआरएनए अटैचेस टू द लार्ज सब यूनिट in such a way that, तो initiation codon मतलब AUG, come on the P
पी साइट, राइट? तो ये पी साइट पे आता है सबसे पहले. अच्छा, और उसके बाद फिर जितने भी आएंगे वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? ए साइट पर. तो ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो ये तो मेरे पास क्या हुआ, इनिशिएशन का फैक्टर हुआ, राइट? राइट टू यू. ठीक है, एंड तो वी कैन से दैट देन सब्सिक्वेंटली देन, या फिर सब्सिक्वेंटली थोड़ा हैवी वर्ड हो जाएगा, या बोले एंड देन टीआरएनएस कम वन बाय वन, राइट? वन बाय वन ऑन ए साइट. ठीक है, तो फाइनली फिर क्या होंगे, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे, राइट? देन अमाइनो एसिड्स फ्रॉम टीआरएनए, क्या लिखना चाहिए, फ्रॉम टीआरएनए, एक सेकेंड, तो टीआरएनए से अमाइनो एसिड आ रहे हैं, सो दे आर अमाइनो एसिड फ्रॉम टीआरएनए forming peptide bond with the amino acid of tRNA, right? tRNA on कौन सी साइड पे होगा वो? On A साइड. ठीक है ना, पिछला वाला A वाले साइड के साथ जुड़ रहा होगा. And it keeps on continue, right? और ये चलता रहेगा. And it keeps on continue. और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक until stop. Yes, until a stop codon. जब तक stop codon में आ जाए. Until stop codon. क्या लिखना चाहिए? Until stop codon come. या until stop codon comes. ठीक है, comes. ठीक है भाई. तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. तो फाइनली मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी. तो अब फिर फाइनली क्या होगा मेरे पास, व्हेन स्टॉप कोडोन कम्स, तो फाइनली फिर क्या हो जाएगा, रिलीज, वो भी तो आता है. हाँ, आएगा, अभी रिलीज फैक्टर भी तो आता है. आएगा आएगा. देन टर्मिनेशन, एक सेकेंड. तो जब मेरे पास स्टॉप कोडोन का मतलब क्या है, वो टर्मिनेशन फैक्टर ही तो होता है. तो कहना ही से, क्या ये कोड करेगा किसी अमाइनो एसिड के लो? क्या ये अमाइनो एसिड कोड करेगा? नहीं. तो वी कैन से देन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टॉप्स. देन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टॉप्स. नहीं आया कुछ समझ? तो अब और ये जो मेरे पास अब प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो अब जब उस पॉलीपेप्टाइड को हमें, अभी तो देखो ये एमआरएनए से अटैच है ना, देखो ये mRNA है और ये चेन बनकर आई है, ये अभी अटैच है, तो ये अटैच नहीं चाहिए, ये अलग होनी चाहिए इससे, अलग होनी चाहिए भाई. mRNA के साथ अटैच करके क्या करेगी वो, अब पूरा बन चुका है, जैसे बेबी है, अब बेबी की 9 मंथ डेवलपमेंट हो चुके हैं, तो वो मदर में ही रहना चाहिए या बाहर आना चाहिए? बाहर आना चाहिए. तो जब बाहर आते तो वो किससे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा को काटते हैं या जुड़ी रहती है प्लेसेंटा? काटते हैं ना भाई, ऐसा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी उसकी. ठीक है, तो इसीलिए वही वाली बात है, तो उसे बोलते हैं रिलीज फैक्टर. तो कहना ही से, तो अब जो पॉलीपेप्टाइड है, तो वो पॉलीपेप्टाइड अब जो सिंथेसाइज्ड हुई है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज्ड इज रिलीज्ड फ्रॉम द एमआरएनए, राइट? तो ये किससे कैटलाइज होता है? इट इज कैटलाइज्ड बाय, तो कौन सा वाला फैक्टर था? रिलीज फैक्टर. यस, इट इज कैटलाइज्ड बाय द रिलीज फैक्टर. नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर. तो ये यहीं पर, इसी के साथ हमारी क्या चीज खत्म हो गई है? तो वी हैव डन अवर सेंट्रल डोगमा. तो हमारा फाइनली यहाँ पे खत्म होता है सेंट्रल डोगमा के बारे में, और फाइनली इसी के साथ हमारा चैप्टर का 85% पोर्शन यहाँ पे समाप्त होता है. तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सबसे, ट्रांसक्रिप्शन क्या इजी था? वैसे ये वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सर. बस ये तो बहुत अच्छा है. हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है यार, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, कि तुम्हारी बॉडी में कैसे प्रोटीन बन रहा है. ठीक है भाई? नहीं आ रहा सुकृति को, सुकृति, अनन्या, विदुषी,
ठीक है विदुषी को मतलब आई मीन सुकृति को आ गया तो जेनेटिक कोड की क्लास में नहीं ली क्या बात है अरे क्लास ली थी मैंने सिर्फ एक ही क्लास तो मिस करी है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके वैसे जेनेटिक कोड काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने लिखा था कि सुकृति क्लास मिस करना फिर आपने नहीं नहीं वो अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है अब देखो देखो अब हमारे पास ये पोर्शन खत्म होता है ट्रांसलेशन वाला ठीक है अब देखो अब ना आगे जाके ना अब एक टॉपिक आता है इसे हम बोलते हैं जी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या बोल रहा हूँ मैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में कोई भी जैसे लैक्टोज है तो वो लैक्टोज कब तुम्हारी बॉडी में टूटना चाहिए और वो तुम्हारी बॉडीज में कब नहीं टूटना चाहिए तो ये चीज भी तुम्हारी बॉडी के जीन डिसाइड करते हैं ये चीज भी तुम्हारी बॉडी का डीएनए डिसाइड करता है जैसे मान लो तुम लोगों ने दूध पिया और दूध के अंदर लैक्टोज होता है तो कब उस लैक्टोज को टूटना है और कब नहीं टूटना है कब उसकी नीड होगी तोड़ने की ऐसी तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी टाइप की चीजें होती है जो जितना भी तुम खाते हो उनसे कब चीज क्या कब क्या होना चाहिए तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए हमें चीजें देखनी होती है राइट तो इसी चीज को हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन तो जीन किस तरीके से एक्सप्रेस होता है कब होता है कैसे होता है इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है अभी तुम्हें लग रहा होगा ये सब क्या हो रहा है लेकिन जब मैं करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा तो देखो सबसे पहली बात अब कोई भी जीन कब एक्सप्रेस हो सकता है ठीक है जैसे मान लो मैं एक बात करता हूँ मान लो सुकृति है ठीक है तो सुकृति से क्लास आ जाती पहले तो अनन्या ऐसे कुछ मतलब अनन्या कुछ भी बोल दिया तो एक दिन सुकृति गुस्सा हो गई थी याद है क्यों ये बस अब बहुत हो गया ठीक है तो अब इसका मतलब अगर इस तरीके से चीजें हो रही है तो वो कभी भी गुस्सा हो सकती है अगर अगर कुछ ज्यादा ही हो जाए तो वही वाली बात है तो ऐसी हमारी बॉडी में जीन होता है तो वो जीन कभी भी अपना एक्सप्रेशन मतलब अपना वो अपने आप एक्सप्रेस हो सकता है जैसे पोकेमोन देखा है हाँ, तो पोकेमोन में वो जो रायचू होता है पिकाचू से रायचू बनता है तो वो पिकाचू से रायचू कब बनेगा जब एकदम स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी या जब उसका मन होगा कभी भी कुछ भी हो सकता है राइट तो इसका मतलब कुछ लोग तो पोकेमोन ऐसे भी थे जो अपने आप ही डेवलप कर जाते थे बिना गुस्से के भी उसका मन कर रहा था बड़ा हो गया बेचारा ठीक है ना कैटरपिलर था बिना गुस्से के डेवलप हो गया फिर वो बटरफ्लाई बन जाता है देखा है कैटरपिलर तो ये इसका मतलब कोई चीज कब डेवलप होनी है कब एक्सप्रेस होनी है तो वो चीज हमें बतानी है तो इसके ना देखो चार लेवल है कोई भी चीज जो होती है वो चार लेवल पे एक्सप्रेस हो सकती है सबसे पहली बात जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है डीएनए से आरएनए yes. तो जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तो कोई भी जीन अपना कैरेक्टर अपना रिप्रेजेंट कर सकता है कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है राइट तो ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन लेवल ठीक है ऐसी अब मुझे एक बात बताओ मैंने एक प्रोसेस बताया था स्प्लीसिंग हमारे अंदर वो याद है गंदे गंदे इंट्रॉन्स थे गंदे गंदे इंट्रॉन्स को ऐसे काट दिया गया था ऐसे गोल गोल करके याद है वो अन्या ये विदुषी हमारा क्योंकि हमारा जो एमआरएनए आता है वो सीधा नहीं आता वो पहले एचएनआरएनए होता है तो उसमें से गंदे गंदे इंट्रॉन्स को हटाना पड़ता है और एक्सॉन एक्सॉन को जोड़ना पड़ता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लीसिंग तो जब ये स्प्लीसिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तब हमारी बॉडी में कोई भी जीन अपना कैरेक्टर दिखा सकता है तो स्प्लीसिंग में भी दिखा सकता है वो तीसरे हमारी बॉडी में देखो अब ना ये सब काम ना ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म में होता है लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो न्यूक्लियस में होता है तो इसका मतलब अब जब एमआरएनए बन गया है तो अब उसे कहाँ पे जाना पड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर तो अब ट्रांसपोर्टेशन भी तो होगा यस और नो डीएनए से एमआरएनए साइटोप्लाज्म में बना अब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना है ताकि ट्रांसलेशन भी हो जाए तो जब ट्रांसपोर्ट होता है ना तब भी वो अपना कैरेक्टर दिखा सकता है एक्सप्रेस हो सकता है वो जीन अब वो कैसे होता है मैं बताऊंगा मैं तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म सो जब वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है तो तब भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और सबसे लास्ट अब सोचो क्या होगा सोचो लास्ट वाला क्या होगा ट्रांसलेशन यस तो लास्ट जो अभी तुमने प्रोसेस पढ़ा तो वही तो बचा तो ये ट्रांसलेशन के टाइम पे भी अपना कैरेक्टर दिखा सकता है ठीक है देखो लोग कहते ना दिखा दे तूने अपनी औकात तो इसका मतलब ये अपनी औकात कहां-कहां दिखा सकता है ट्रांसक्रिप्शन स्प्लीसिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन लेवल ठीक है नहीं आया सर आ गया सर तो इसका मतलब कोई भी प्रोकैरियोटिक होता है तो प्रोकैरियोटिक के अंदर तो ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है अगर मेरे पास प्रोकैरियोटिक होता है तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं बैक्टीरिया तो वो तो ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्टिंग में दिखा देते हैं
लेकिन जो यूकैरियोटिक है हमारे जैसे, तो हमारे पास चार चार प्रोसेसेस है जहां पे कोई भी जीन अपना कैरेक्टर दिखा देगा। ए ट्रांसक्रिप्शन लेवल, बी स्प्लिसिंग लेवल, थ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी, अरे मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? एक सेकंड, मैंने शायद अभी कुछ उल्टा बोल दिया था। देखो डीएनए से एमआरएनए बनता है, राइट? सारे बच्चे ध्यान से सुने, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। डीएनए से एमआरएनए, जरा बताना डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है या न्यूक्लियस में होता है? न्यूक्लियस में होता है सर, न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, तो वो डीएनए से एमआरएनए ये साइटोप्लाज्म में बनेगा या न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस। यस, वो मैंने अभी उल्टा बोल दिया था, साइटोप्लाज्म में, ठीक है? तो इसका मतलब तो जो डीएनए है, तो डीएनए से एमआरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियस में। और फिर उसे कहां पे आना होता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। यस, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म होता है। आई एम सॉरी, मैंने अभी गलत बोल दिया था। तो न्यूक्लियस से कहां पे आता है? साइटोप्लाज्म में। तो मतलब वो अंदर से बाहर आ रहा है या बाहर से अंदर जा रहा है? सोचो, अंदर से बाहर आ रहा है। यस, क्योंकि न्यूक्लियस अंदर होता है और वो अंदर से बाहर की साइड आ रहा है। तो ट्रांसलेशन कहां पे होती है? न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ना ट्रांसलेशन बोला है, ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगी? न्यूक्लियस में, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से एमआरएनए, तो वो तो न्यूक्लियस में होगी। और फिर एमआरएनए से जब वो बनेगा प्रोटीन, तो वो भाई प्रोटीन तो वैसे भी साइटोप्लाज्म में होना चाहिए ना, न्यूक्लियस में प्रोटीन क्या करेगा? ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर, तो लिखा सही है, एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और लास्ट ट्रांसलेशन लेवल। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो ट्रांसलेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके से जीन रेगुलेट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर।